एडमिशन ओपन स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरोंजा सागर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नेशनल हाईवे के 9 लुटेरों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इन लुटेरों ने हाल ही में मूंग से भरे ट्रक की लूट, अपहरण और क्लीनर की हत्या कर दी थी और करीब 1 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लुटेरों से 2 कार, 1 ट्रक, 2 315 बोर के कट्टा, 2 कारतूस, 1 धारदार चाकू, 1 कुल्हाड़ी, 1 एयरगन, 9 मोबाइल, 1 होंडा साइन मोटरसाइकिल और 70,000 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। 2 मामलों में लूटी गई कुल 61 टन मूंग में से 52 टन मूंग भी जब्त की गई है। अभी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है, जिसमें एक स्थानीय व्यापारी भी शामिल है। इस पूरे मामले का खुलासा नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक गुरुकरण सिंह ने किया। गौरतलब है कि 22 जून रात करीब 11:30 बजे 4 लाइन पर नरसिंहपुर करेली के बीच 2 कार में आए अज्ञात हथियारबंद व्यक्तियों ने 33 टन मूंग लेकर राजस्थान जा रहे ट्रक को ओवरटेक कर रोका और ड्राइवर क्लीनर को अगवा कर मूंग से भरा ट्रक और नकदी 25,000 रुपए लेकर भाग निकले। आरोपियों ने ट्रक चालक हरिकेश मीणा को गोली मारकर जबलपुर में नर्मदा नदी में फेंक दिया था। इसी तरह क्लीनर शंभु सिंह को भी गोली मारते हुए नर्मदा में फेंक दिया था। किसी तरह ड्राइवर की जान बच सकी, लेकिन क्लीनर शंभु सिंह का ग्वारी घाट क्षेत्र में नर्मदा नदी में शव मिला था। यह लुटेरे डीजल खत्म होने पर मूंग और उड़द से भरा ट्रक छोड़कर भाग गए थे। इसी तरह गोटेगांव थाना क्षेत्र में भी 16 जून ग्राम खमरिया में भगवान सिंह राजपूत के ट्रक को रोककर ट्रक में भरा 28 टन मूंग और उड़द को लूट लिया गया था। आगे जाकर डीजल खत्म होने पर ट्रक वहीं छोड़कर लुटेरे भाग निकले थे। दोनों मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। किया गया और साथ में नगद भी, और जो ड्राइवर है उसे नर्मदा पुल में जबलपुर जाकर वहां फेंक दिया गया फायर के बाद। इसी क्रम में एक लाश बरामद हुई उसके 2 दिन बाद जबलपुर में, जो कि उसी ट्रक के क्लीनर की थी। इस अपराध को देखते हुए, इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें लगातार टीमें बनाई गई, 5 टीमें बनाई गई और 5 टीमों की मदद से और टेक्निकल सेल की मदद से खुद पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा इन टीमों का मॉनिटरिंग की गई। इन टीमों से जो टेक्निकल साक्ष्य हमारे पास आए, उन साक्ष्य को एकत्रित कर हम इस घटना को, के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। इस घटना में 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके अलावा 2 आरोपी अभी फरार चल रहे हैं। घटना में आरोपियों से 1 ट्रक और 2 गाड़ियां, करीब 24 टन मूंग, 2 कट्टे, 1 एयरगन, करीब 70,000 नगद ये बरामद किया गया है। ये घटना इन 9 के द्वारा की गई। इस घटना में 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। ये 2 गाड़ियां रेकी में भी इस्तेमाल की गई। ये ट्रक जिसको लूटना था उसको आइडेंटिफाई किया गया नरसिंहपुर मंडी में, और ट्रक की मूवमेंट के साथ साथ लिंगकबरिया में जाकर उस ट्रक को ओवरटेक करके लूटा गया और वहाँ से इस ट्रक को बेलखेड़ा से होते हुए जबलपुर ले जाया गया। खमरिया में हुई थी सेम मोडस ऑपरेंडी में, इसमें जो ट्रक है वो वहाँ खमरिया में लूटा गया और सेम तरीके से गाड़ियाँ यूज़ करके ट्रक, जो ड्राइवर था अकेला था, ट्रक लूट कर उसको बंधक बनाकर ले जाया गया। वो ट्रक भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरी घटनाक्रम में कुल मशरूका करीब 1 करोड़ का बरामद किया गया है। ये घटना जो इस घटना में जो सारे साक्ष्य इकट्ठे किए गए हैं उसकी मदद से इन सभी आरोपियों को एक एक करके दबिश देकर पकड़ा गया, और ये एक बहुत बड़ी घटना में हमारे जिले को और पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा इस पूरी घटना को मॉनिटरिंग करके हमें निर्देशन दिया गया और इसमें सफलता प्राप्त की गई। नरसिंहपुर से अनुज कुमार, सागर टीवी न्यूज। एडमिशन ओपन स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर।
एडमिशन ओपन। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय NH 26 नरसिंहपुर रोड सिरोंजा सागर। हमारा नंबर है 07582281000।